सो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस, मैं आना है उस्मान। और गाइस आज हम उन भाइयों की ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं जो चाहते हैं कि हमारी एडिटिंग अच्छे से अच्छे तरह की कम से कम टाइम में बन के तैयार हो जाए। मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एक एक हार्ड एडिटिंग करें या एक एक प्रोफेशनल टाइप की जो एडिटिंग होती है जिसमें बहुत टाइम लगता है, वो टाइम उनके पास नहीं है। बहुत ही कम टाइम में अच्छी से अच्छी एडिटिंग वो चाहते हैं कि हमारी बनके तैयार हो जाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों की ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, लेट्स बिगिन। रेडी तो गाइस सबसे पहले हमें शाहरुख खान का वो वाला पोस्टर ऐड कर लेना है जिस पे हमको एडिटिंग करनी है अपनी, ठीक है। और गाइस जाना है आपको ऐड फोटो में और आपको वो वाली फ़ोटो ऐड कर लेनी जिसमें हमें सामने से बिल्कुल आपका फेस दिख रहा हो। एंड क्रॉप करने के बाद गाइस आपको साइड बाय साइड अच्छे से अपना जो फेस है वो शाहरुख खान के फेस से मैच करना है। और गाइस यहाँ से आपको शाहरुख खान का जो फेस है उस पे आपको आँख से आँख को मैच कराना है और मुंह से मुंह को मैच कराना है, ठीक है। इसके लिए आप इसकी जो ऑपेसिटी है वो हल्की सी कम कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमको मैच कराने में थोड़ी सी आसानी रहे। एंड यहाँ से गाइस बस आपको इन्वर्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको जो सा पार्ट हमें चाहिए बस उस पर हमको पेंट करना है। तो सिंपली हमारी फ़ोटो जो है वो ऊपर हमें ज़ाहिर हो जाएगी, ठीक है। एंड हाँ गाइस इस वाली एडिटिंग को आप ज़्यादा सीरियस मत लेना, एज अ फन के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको प्रोफेशनल एडिटिंग करनी तो गाइस आपको टाइम देना ही पड़ेगा, श्योर एंड शॉर्ट लिख के ले लो आप मेरी ये बात। अगर आपको अच्छी से एडिटिंग करनी है तो आपको टाइम गाइस देना ही पड़ेगा। एंड जो इसकी गाइस साइड है वो आपको अच्छे से फेड कर लेने हैं, ठीक है। और गाइस जैसे ही हम इसकी जो ऑपोसिटी है वो फुल करेंगे तो हम गाइस पाएंगे कि हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छे से मैच हो गई, ठीक है। एंड अब गाइस इसका जो टोन है इसके हाथ में आपको दिख रहा होगा वो टोन हमको डालना है अपने फेस पर, ठीक है। तो इसके लिए हम गाइस जाएंगे सिंपली ऐड फोटो में, सॉरी एडजस्ट में, ठीक है। एंड वहाँ पर गाइस सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड ह्यू को आपको कुछ नहीं करना एंड हाइलाइट्स को हल्का सा हमें करना नीचे, ठीक है। एंड शेडो को हम हल्का सा ऊपर कर सकते हैं एंड यहाँ से टेम्परेचर को गाइस हमको हल्का सा ऊपर करना होगा, ठीक है। एंड ब्राइटनेस को हल्का सा करेंगे नीचे, ठीक है। तो इतना गाइस काम करने के बाद हमारी जो फेस है वो हमारे हाथ से मतलब हैंड से अच्छे से मैच हो रहा है। और यहाँ से क्लियरिटी को हल्का सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो इसकी जो टेक्सचर है वो हल्का सा हमें उभर के मिले। और यहाँ से गाइस पिक्सार्ट का काम कम्प्लीट होता है। एंड अब इसको गाइस हम ले चलेंगे स्नैपसीड ऐप में एंड वहाँ पर गाइस इसकी जो कलर ग्रेडिंग है अच्छे से मैच करने की कोशिश करेंगे। और गाइस यहाँ पर आने के बाद हमको जाना है वेनेट वाले टूल में और यहाँ से जो इसका वेनेट है वो हल्का सा हम ब्लैक की तरफ रखेंगे, ठीक है। एंड जाएंगे वापस से हम स्ट्रक्चर वाले टूल पर और यहाँ से हम हल्का सा जो स्ट्रक्चर है फ़ोटो का इंक्रीज करेंगे। एंड यहाँ से गाइस फटाफट हम लोग इसकी बेसिक एडिटिंग कर लेते हैं। और गाइस यहाँ से हमको अपना कर्व टूल क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइस हमको अपनी फ़ोटो का जो टोन है वो हल्का सा ग्रीन टाइप में देना है। तो ग्रीन कलर चूज़ करने के बाद हम हल्का सा इसको नीचे से उठाएंगे तो काफ़ी मस्त यहाँ से लुक इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये लो गाइस हमारी फ़ोटो बनके तैयार हो गई। सब्सक्राइब